जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है। वहीं पूरा देश सरकार से आतंकवाद और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की अपील कर रहा है। कायराना आतंकी हमले को लेकर हमारे संवाददाता दीपक चावला ने खास बातचीत की निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज सिंह से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी हमला हुआ है। इस आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। हर तरफ, हर गली, हर चौराहे, हर शहर, पूरे भारत भर में इसके खिलाफ विरोध है। पाकिस्तान को सख्त से सख्त जवाब देना चाहिए और उसके साथ जो आतंकवाद है उसे भी मिटाना चाहिए। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज सिंह जी है। सर, एक हमला हुआ है, बेहद दर्दनाक हमला है। अब समय आ चुका है पाकिस्तान को आतंकवाद को करारा जवाब देने का। जब ये हमले की खबर आपने सुनी तो कैसा आपको लगा? इस कायरतापूर्ण हमले की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। पूरे देश के साथ साथ मेरी संवेदनाएं शहीदों के परिवार के साथ में हैं और मैं आशा करता हूँ कि घायलों को उचित सहायता मिलेगी और जल्दी ठीक होंगे। सर, जिस तरह से ये हमले हो रहे लगातार, अब विपक्ष भी एक हो चुका है, पूरा देश एक चुका है, क्या अब समय आ चुका है इनको करारा जवाब देने का? क्योंकि अब समय आ चुका है, क्योंकि हर गली हर चौराहे पे युवा इकट्ठा हो रहे हैं, लगातार वो मांग कर रहे हैं कि खून का बदला खून से। देश की भावना है, मैं समझ सकता हूँ, और देशवासी होने के नाते एंड देशभक्त होने के नाते मेरा भी खून उतना ही खौल रहा है जितना किसी और भारतवासी का खौल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर सोचना यह है कि जवाब कैसे देना है। अगर हम खून का जवाब खून से देंगे तो क्या ये जंग कभी ख़त्म हो पाएगी? मेरा मानना है कि भारत एक शांतिप्रिय देश है। हमें आज़ादी गांधी जी के नेतृत्व में मिली और जहाँ हम आज पहुँचे हैं उसके लिए सबके पीछे सबसे बड़ा योगदान हमारा शांतिप्रिय होना है। आज अगर हम खून का बदला खून लेने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ ये जंग कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। देश के अंदर भी कई सारे ऐसे लोग गद्दार बैठे हैं जो संरक्षण देते हैं या उन्हें डायरेक्शन देते, तो उनके पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। देशभक्ति अपने आप में किसी भी इंसान का एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्च्यू होना चाहिए, तो इसमें कोई शक नहीं है। जो देश से गद्दारी करता है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल और कानून के तरीके से। ये हक आम जनता के हाथ में नहीं है कि वो किसको सज़ा दे। देश में कानून है, कानून व्यवस्था है, तो मेरा सभी देशवासियों से आग्रह है कि कृपया कानून व्यवस्था अपने हाथ में न लें। यंग ब्लड उबलता है लेकिन उसको कंट्रोल करना एक बुद्धिमान आदमी की सबसे बड़ी पहचान है। तो मैं समझता हूँ कि कानून हाथ में लेने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वी नीड टू वेट एंड वॉच एंड एक्ट प्रॉम्प्टली इन द राइट वे रादर देन टेकिंग द थिंग्स इन योर हैंड्स। तो ये थे डॉक्टर पंकज सिंह जी जो बता रहे थे कि किस तरह से पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और जंग हथियारों से नहीं दिमाग से जीत जाती है। तो ये बात सही है, अब देखना ये होगा कि आगामी दिनों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से जंग के अलावा और किस तरह से एक्शन लेते और पाकिस्तान को आतंकवाद को सबक सिखाते हैं। सहयोगी सुरेश तानिया के साथ दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।